सुमित बताइए। शुक्रिया मेहर, कई बड़े शेयर राधा अब क्योंकि अच्छे दाम पर आ चुके हैं तो आज बड़े शेयर को ही चुन के लाए हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर को चुना गया है। अवंता ग्रुप की ये कंपनी है, हाल में ही डीमर्ज हुई है क्रॉम्पटन ग्रीव्स के अंदर से, और कंपनी का कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस जो है उसको कंपनी कैटर करती है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स को अगर देखिए तो नंबर्स तो इसके ठीक ठाक थे, मोरलेस पिछले चार क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं वो कंसिस्टेंट बेसिस पे कंपनी ने दिए हैं। बहुत ज़्यादा ना ऊपर है, बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, मोरलेस एक फ्लैटिश नोट पे कंपनी के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन अच्छी चीज़ क्या हुई है कि कंपनी ने जो Q3 के नंबर्स हैं वो काफ़ी साउंड हो सकते हैं, क्योंकि फेस्टिव डिमांड का जो पूरा इंपैक्ट है वो अब Q3 के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और साथ साथ जो एक स्पाइक आया है कंपनियों की, बहुत सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल की बिक्री 8 नवंबर के दौरान ही होते हुए दिखाई पड़े, तो एक जो बिक्री में स्पाइक आया है उसका भी इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है इस तिमाही के आंकड़ों में ही। Q2 में पूरा फेस्टिव डिमांड का इंपैक्ट नहीं था तो Q3 तक शायद कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़े। इसके अलावा मुनाफे में करीब करीब 25-30% के आसपास ही ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन भी करीब 1-1.5% के आसपास तिमाही में बढ़ सकते हैं Q3 के लिए, जो एक आंकड़ा लगाया जा रहा है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग फ्रंट पर जो परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव होगी, कंपनी के ऊपर जो डेट सिचुएशन थी वो काफी हद तक ईज आउट हो चुकी है। लेकिन सबसे अहम चीज ये कि कंपनी जो एक डिमांड स्पर्ट है वो आगे भी जारी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ साथ क्योंकि कंपनी ने ये साफ किया था कि मतलब जो अवंता ग्रुप से साफ किया था कि डेट को ईज आउट करने के लिए वो अपने अपने अलग अलग कंपनी में हिस्सेदारी बेचेंगे, तो इस कंपनी का नाम भी प्रबल दावेदारी के तौर पर देखा जा रहा है कि शायद यहाँ पर भी हिस्सा बिक्री के तौर पर देखा जाए। इलारा की एक रिपोर्ट को रिफर किया जा रहा है, उनका मानना है कि अभी इतनी ज़्यादा इसमें भले ही ग्रोथ नहीं है लेकिन हाँ गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छे एवेन्यूज बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 200 रुपये के ऊपर के टारगेट यानी 210 के टारगेट्स के लिए उन्होंने खरीदारी करके चलने की राय दी है। ठीक है, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स इस पे आपको ध्यान रखना है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स अलग है, कंज्यूमर्स बिजनेस अब अलग हो चुका है, तो इस पे ये खबर, और आप 210 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। शुक्रिया सुमित आपका ये बताने के लिए। प्रदीप, लेकिन देखिए जो भी कदम सरकार ने उठाया है उससे पूरी तरह से बाजार भी बट गया है, ये इसका लाइव एग्जाम्पल था। सरकार ने नोट बंद किया उससे बैंक की स्थिति ऑटोमेटिकली सुधर गई, बैंक को भी ऐसा उम्मीद नहीं थी, ना ही किसी को भी ऐसा उम्मीद थी, लेकिन बैंक के एकदम से कासा बुक्स ठीक होने लग गए, डिपॉजिट्स बनने लगे जिसको लेकर चैलेंज था। लेकिन जहां पे पहले से कंसर्न था वो और पिटने लग गए, रियल एस्टेट, ये जो खाई बनी है कि आप बेनिफिशियरी हैं और आप इस सेक्टोरल में नुकसान उठाएंगे, ये आपको लगता है कि थोड़ा सा बदलेगा इसमें स्थिति, क्योंकि वैल्यूएशन के नाम पे रियल एस्टेट अब कुछ ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे क्योंकि उनके लिए भी स्थितियाँ ठीक हो रही हैं और बैंकिंग की प्रॉब्लम्स जो बुक्स में थी वो भी ठीक हो रही हैं? मेरा मानना है कि बैंकिंग डेफिनेटली इस स्थिति का काफी फायदा उठाएंगे और उसका काफी लाभ बैंकिंग सेक्टर्स में लगेगा। जहां तक सवाल है रियल एस्टेट का, उसमें मैं ये मानता हूं कि काफी समय लगेगा। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा कि जो प्राइस रीएडजस्टमेंट और प्राइसिंग का एडजस्टमेंट काफी बड़े रूप में मेरा मानना है इस रियल एस्टेट सेक्टर में आएगा, और वहां डिमांड जनरेशन ओनली फॉर प्रोबेबली कंजम्पशन के लिए जो डिमांड जनरेशन है वो तो संभवतः ठीक होगी, बट जो पीछे हमने काफी देखा कि इन्वेस्टमेंट की डिमांड की वजह से वहां पे काफी अच्छी डिमांड आई है, वो डिमांड आने में अभी भी टाइम लगेगा। तो रियल एस्टेट सेक्टर में मेरा ये मानना है कि दो वैल्यूएशन अभी आपके चीप होने शुरू होंगे और आपको अच्छे लगने शुरू होंगे, पर अभी भी कुछ समय के लिए आई थिंक इस सेक्टर को हम अगर ना देखें या इस सेक्टर को थोड़ा दिन के लिए होल्ड पे रख दें और उससे अच्छी परिस्थितियां कई दूसरे सेक्टर में आने में और चांसेस दूसरे सेक्टर में आने में और गेन दूसरे सेक्टर्स में आने में लगेगा, तो मुझे ये लगता है कि वहां ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय रियल एस्टेट सेक्टर में एज ऑफ नाउ। चलिए इस बीच एक बार देख लेते हैं इस समय इंडेक्स को, निफ्टी करीब 27 पॉइंट ऊपर इस समय है, 8138 का लेवल इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 8138 का लेवल यानी करीब 1/4% ऊपर, तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश ये इस समय करते हुए। और प्रदीप शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ अब रितु अरोरा जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। रितु मॉर्निंग टू यू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। यू नो अब यू मस्ट हैव हर्ड मल्टीपल व्यूज कमेंट्रीज मार्केट में, स्पेशली आफ्टर डीमोनेटाइजेशन एंड ट्रंप विक्टरी, लेकिन एक जो बेसिक यू नो थियोरी है मार्केट में कि अगर अच्छी वैल्यूएशन पे कोई चीज़ मिलती है देन वन शुड गो अहेड एंड इन्वेस्ट, वो पूरा कैश डिप्लॉय करने का टाइम अभी है क्या मार्केट में, या थोड़ा और नीचे जा सकता है?
धन्यवाद, आपने शो पर बुलाया। अब मुझे लगता है अभी काफ़ी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन को लेकर थोड़ी सी अफरा तफरी है, चिंताएं हैं, और किस तरह से ये अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है, किस तरह से प्ले आउट होगा पूरी तरह से सबको समझ में नहीं आ रहा है। ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि अभी कुछ समय के लिए कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन खासकर इम्पैक्टेड रहेगा। मुझे लगता है जो स्टॉक्स अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिलते हैं उनमें निवेश करना चाहिए, पर सारा निवेश एक साथ न कर कर अगले कुछ हफ्तों और महीनों को ध्यान से देखना चाहिए। ये एक फेज़ है कंसोलिडेशन का, टाइम करेक्शन का, बड़े ग्लोबल इवेंट्स का, तो एक जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता मार्केट बहुत जल्दी कुछ हाल दिखाएगा और काफ़ी मौके देता रहेगा, तो निवेश ज़रूर करना चाहिए वैल्यूएशन अगर अट्रैक्टिव हैं तो, बट थोड़ा सा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कीजिए। रितु, कई सेक्टर्स पे भी न्यूज़ फ्लो है, जैसे कल नेस्कॉम की जब खबर आई तो उससे इमीडिएट रिएक्शन तो मिला, आपको लगता है कि खबर अपने आप में काफ़ी गंभीर है कि जो ग्रोथ कट किया गया है, रेवेन्यू कट किया गया है करीब 2% के आसपास का, पहले 10-12% था, 8-12% का दिया, तो इसका इम्पैक्ट होगा? ज़रूर होगा। आईटी सेक्टर पे अगर हम देखें तो चिंता बनी हुई है काफ़ी समय से, जो एक बिजनेस मिक्स चेंज हो रहा है, रेवेन्यूज पर इम्पैक्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट है, जिस तरह के हम नंबर पहले देखते थे आईटी सेक्टर के, उस तरह के अब नहीं आ रहे हैं, और मुझे लगता है कुछ समय देना होगा इस सेक्टर को दोबारा अपनी ऊँचाइयाँ पर पहुँचने के लिए, और उतने समय के लिए मैं आईटी सेक्टर पर अंडरवेट रहना पसंद करूँगी। करेंसी हेडविंड्स भी हो सकती हैं, जो ग्लोबल इवेंट्स हैं उसके मद्देनज़र काफ़ी करेंसीज वॉलेटाइल हैं, फॉर्चुनेटली हमारी करेंसी काफ़ी स्टेबल रही है, हमारी रिजर्व पोजिशन भी अच्छी है, बट क्रॉस करेंसी इम्पैक्ट बना रहेगा। बिल्कुल, वो इम्पैक्ट तो खैर रहेगा। अब यू नो रितु, एक स्पेस ऐसा है जिसमें ऑलरेडी देयर वाज अ नेगेटिव ट्रिगर और उस वजह से वो पहले ही वैल्यूएशन में काफ़ी ड्रॉप देख चुका था, दैट इज़ द टाटा ग्रुप स्टॉक्स। आज हालांकि टाटा सन्स की मीटिंग है, द न्यूज़ फ्लो विल कंटिन्यू टू कम, जिस तरह से एस्केलेशन हो रहा है विथ ईच पासिंग डे बोर्ड रूम बैटल का, लेकिन इफ़ वी टेक टाटा ग्रुप एज अ यू नो बंच ऑफ स्टॉक्स, देन वुड यू रेकमेंड इसमें से कुछ कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा खासा ड्रॉप हो चुके हैं खरीदारी करना यहाँ पे? ये निराशाजनक है जिस तरह का कोर्ट रूम बोर्ड रूम बैटल चल रहा है टाटा ग्रुप में, बट मुझे नहीं लगता इससे हमें फंडामेंटल इवैल्यूएशन ऑफ कंपनीज पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रभाव पड़ना चाहिए। हर एक कंपनीज में मैनेजमेंट बोर्ड का एक बहुत अहम भूमिका होती है और उतनी भूमिका टाटा ग्रुप में भी है जो बोर्ड रूम में चल रहा है, बट उसके अलावा जो बिजनेस के फंडामेंटल्स हैं, स्टॉक के फंडामेंटल्स हैं, और टाटा ग्रुप कभी कई सारे सेक्टर्स में निवेश के मौके देता है, तो फंडामेंटल्स ऑफ ईच कंपनी ईच सेक्टर आर वेरी डिफरेंट, और उसे उसी तरह से मूल्यांकन करना चाहिए, ना कि बोर्ड रूम में क्या हो रहा है। तो डेफिनेटली टाटा ग्रुप में भी अट्रैक्टिव कंपनीज मौजूद हैं और उनमें निवेश करने के जैसे मौके मिलते हैं ज़रूर करना चाहिए। रितु, एक सेक्टर ऐसा था जो लिक्विडिटी को काफ़ी इंजॉय कर रहा था, उसके नंबर से भी दिख रहा था और उसके रिजल्ट से भी दिख रहा था, वो था ऑटो। ऑटो के मंथली नंबर्स आप देखें, हमने लगातार अच्छे नए रिकॉर्ड्स पे पहुंचे हैं, लेकिन शायद उसी लिक्विडिटी पे जो 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं, आने वाले क्वार्टर्स में शायद थोड़ा प्रेशर पड़ सकता है। एक बार आप रीरेट करने की आप गुंजाइश समझते हैं कि ऑटो में थोड़ा सेलेक्टिव हो जाना पड़ेगा, बहुत ही सिलेक्टिव होना होगा, क्योंकि जिनकी बुक्स अच्छी हैं, जिनकी ग्रोथ ट्रांजेक्टरी अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है, उन्हीं पे रहें, अब अक्रॉस ऑटो पे ना जाएं? मैं बिल्कुल राय नहीं देती कि आप कहीं पे भी एक सेक्टर एलोकेशन करके निवेश करें, वो माहौल बिल्कुल भी नहीं है। तो हर जगह पे एक बॉटम अप सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन बहुत मायने रखता है, और आप ये देखेंगे बहुत शार्प स्टॉक मूवमेंट्स रहे हैं पिछले कुछ महीनों में, और अभी तो बहुत ज़्यादा शार्प हो गए हैं। तो सेक्टर एलोकेशन की राय तो मैं पिछले कई महीनों से नहीं दे रही हूँ, बॉटम अप सिलेक्शन के बिना पैसा बनना बहुत मुश्किल है। हम भी बहुत मेहनत से बॉटम अप सिलेक्शन करते हैं, बहुत इंटेंसिव रिसर्च करते हैं स्टॉक्स की। जहाँ तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, डेफिनेटली एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पर, एक फील गुड फैक्टर पर, फीलिंग ऑफ वेल्थ पर इम्पैक्ट रहेगा कुछ समय के लिए, और हो सकता है नंबर्स में भी ये दिखने लगे, पर वैसे ऑटो सेक्टर रिलेटिवली बेटर पोजिशन रहा है, बहुत अच्छे नंबर देता रहा है, और जब भी मौका मिलता है अच्छी कंपनियों में निवेश का मैं ज़रूर करना चाहूँगी। बिल्कुल,
इस बीच एक बार देख लेते हैं मार्केट को, इस समय क्या हो रहा है मार्केट में। कोई खास एक्शन तो नहीं है, निफ्टी करीब 16 पॉइंट ऊपर 8128 के लेवल पर इस समय ट्रेड करते हुए। ऋतु, नाउ यू नो लेट्स पिक जो सेक्टोरल इम्पैक्ट है डीमोनेटाइजेशन का, उसमें जो सबसे बड़ा सवाल इस समय उठ रहा है दैट इज बेसिकली वन ऑन रियल एस्टेट एंड सेकेंड इज ऑन द कंजम्पशन थियोरी। ये जो कंजम्पशन लेड एक रैली हमने देखी भी थी कुछ एक स्टॉक्स में और सेक्टर्स में, वो दैट माइट कम अंडर क्लाउड कुछ समय के लिए। आप क्या करना चाहिए यहाँ पर? बहुत ये तो हम देख ही रहे हैं कि कंजम्पशन पर इम्पैक्ट डेफिनेटली है, एफएमसीजी पर इम्पैक्ट है, पर उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से डिस्क्रिशनरी स्पेंड भी इम्पैक्ट होंगे। तो जो आप हमारे वाइट गुड कंपनीज हैं और जो उन्हें फिनेंस करते हैं उसमें कुछ समय के लिए मुझे लगता है ठहराव आ सकता है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही इन सेक्टर्स को देखना चाहिए। बट अगर हम इंडिया को देखें तो काफ़ी आइसोलेटेड स्टोरी रही है, हमारा जीडीपी ग्रोथ अच्छा रहा है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, वो रैप हो चाहे पे कमीशन हो, तो लोगों के हाथ में मानसून अच्छा रहा है तो फसलें अच्छी हैं। तो जो एक वेल्थ और एक कंजम्पशन इफेक्ट हम चाह रहे थे देखना, कंजम्पशन में इम्प्रूवमेंट चाह रहे थे, मुझे लगता है उसमें एक डेफिनेटली रोड बम्प तो आया है, बट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि GST भी इम्प्लीमेंट हो रहा है और बिजनेस काफ़ी साफ सुथरा हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए सेक्टर अच्छा है, पर मुझे लगता है हाल में अगले कुछ महीनों में यहाँ पे ज़्यादा सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। ठीक है, आप पर्टिकुलर स्टॉक्स को तो ऋतु एक बार देखती होंगे, उसमें आप कुछ कैपिटल गुड्स में एक सरकारी कंपनी BHEL जिसको लेकर आज एक रिपोर्ट आई है कि इसमें HSBC ने ये कहा है कि कुछ और तेजी इसमें देखने को मिल सकती है, इस पर्टिकुलर शेयर पे आपका अपना व्यू क्या है, पर्सनली व्यू? स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, बट इन जनरल कैपिटल गुड्स स्पेस पर मुझे लगता है थोड़ा सा सोच समझ कर निवेश करना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म अगले कुछ महीनों में मुझे उम्मीद है कि सरकार काफ़ी फिस्कल स्पेंडिंग अनाउंस करेगी जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को फ़ायदा मिलेगा और जो उससे रिलेटेड कैपिटल गुड बाइंग परचेसिंग होगी वहाँ पर भी थोड़ा सा सुधार आना चाहिए, बट मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा समय भी बाकी है। ये पेपर स्टॉक से हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं, हालांकि क्वांटम छोटा है, सेक्टर छोटा है, ऋतु ये पेपर स्टॉक्स में आप कुछ वैल्यू बाय देख रहे हैं क्या? क्योंकि स्टार पेपर देखें, रुचि का पेपर देखें, नो डाउट कोई ना कोई पेपर कंपनी को ऐसे मिल ही है जो रोज़ 3-4% ऊपर होती है। इस सेक्टर में हमारा कोई बहुत विशेष निवेश नहीं है और मेरी कोई बहुत रिसर्च राय भी नहीं है, तो मैं नहीं आंसर करना चाहूँगी। चलिए ऋतु, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इस बीच किरण जाधव हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। किरण, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। क्या कोई ट्रेड रेकमेंड किया आपने आज बाजार खुलने के बाद? नहीं, कोई ट्रेड रेकमेंड नहीं किया है क्योंकि एक बहुत रेंज बाउंड ट्रेड दिखाई दे रहा है। हमने पहले 10-15 मिनट में एक अच्छा उछल दिखाया और वो अभी निगेट करता दिखाई दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दबाजी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी रहेगा। 8100 ऑन द लोअर साइड बहुत अच्छा सपोर्ट है, 8200 ऑन द हायर साइड एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। जिस टाइम इस रेंज के बाहर ये निफ्टी ट्रेड करना चालू करेगा तभी एक डायरेक्शनल कॉल लेनी चाहिए और एक अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी, तो वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए अभी के लिए। ठीक है किरण, रेणुका शुगर और भारती माफ कीजिए बलरामपुर चीनी, दोनों के नंबर्स आए थे और दोनों कंपनीज घाटे से मुनाफे में आई हैं। आज वापस शुगर कंपनीज के अंदर कुछ मोमेंटम दिख रहा है, इन पर्टिकुलर इन दोनों कंपनीज पर आपका व्यू क्या है, एक तो बलरामपुर चीनी और दूसरा रेणुका शुगर? देखिए, बलरामपुर चीनी अगर मीडियम टर्म चार्ट भी देखते हैं तो भी एक छोटा रेंज के तरफ है, माइल्डली पॉजिटिव बायस है और निचले स्तरों से बाय करने की सलाह होगी। एक अच्छा सपोर्ट करीबन 107-106 रुपए के करीब है, तो इन लेवल्स के एक नजदीक जितना आता है उतना अच्छा रहेगा। एक बाउंस बैक में एक करीबन 120 तक जाएगा, 120 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर अगर कंसिस्टेंटली रहता है तभी 135 के लेवल्स छूते हुए ये स्टॉक देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे रेणुका की बात है, रेणुका शुगर भी ऐसे ही कुछ रुझान दिखाई दे रहा है,
तो मुझे लगता है कि थोड़े से रेनू का शुगर अगर दोनों कंपेयर करते हैं तो बलरामपुर चीनी अच्छे दिखाई दे रहा है। रेनू का शुगर हालांकि बहुत पीट पीट चुका है और सपोर्ट के नजदीक है। इसका सपोर्ट करीबन 12 रुपए 70 पैसे 12 रुपए 80 पैसे है, तो इधर से एक बाउंस बैक लाजमी है। तो मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक में ये स्टॉक वापस एक बार 15 रुपए 50 पैसे तक जाने की उम्मीद है, पर अभी मोमेंटम रेणुका शुगर में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं रेणुका शुगर थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। बलरामपुर चीनी में पोजिशनल व्यू ले सकते हैं। बिल्कुल, तो नज़र आप रख सकते हैं, लेकिन वही है, देखिए मार्केट हायर लेवल से फिर से एक बार फिसला है, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट नीचे चला गया निफ्टी, जो खुलने के बाद ऊपर गया था वहाँ से किसी भी समय गया, इनफैक्ट बात करते करते ही लाल निशान में 8111 पर, और इसीलिए ये जो 8100 का लेवल है ना, इसके लिए मार्केट आज काफ़ी सेंसिटिव रहेगा इंट्राडे लो पर। किरण, 8100 के नीचे कुछ इनिशिएट करेंगे क्या आप ट्रेड के आज, हालांकि वीकली सेटलमेंट भी है बट स्टिल? अगर 8100 के नीचे चलना चालू कर देगा तो मैं 8140 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह दूंगा, और मैं मेरे क्लाइंट्स को भी यही सलाह दूंगा। और मुझे लगता है कि इजीली फिर निचले स्तरों में नेक्स्ट सपोर्ट जो आता है करीबन 8040 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो एक 60 पॉइंट की रैली आपको निचले स्तरों में देखने को मिलेगी अगर 8100 निकल जाता है तो। इस बीच सुनील हाईटेक का शेयर एक 20% इनफैक्ट नीचे आ चुका है और तेज गिरावट इसमें देखने को मिली है, और इनफैक्ट ये लोअर सर्किट पे पहुंचा है क्योंकि 20% का इसका सर्किट है जिसको इसने भी हिट कर दिया है। ये एकदम से शेयर टूटा, नो डाउट इसके पीछे कुछ न्यूज़ जरूर होगी, जैसे आएगी सबसे पहले आप देख पाएंगे, लेकिन सुनील हाईटेक का शेयर इस समय 20% के लोअर सर्किट इसने अभी अभी टच किया है, तो आप इस पर एक गिरावट देख पा रहे हैं। ओवरऑल आज ये ठीक खुला था, ऐसा नहीं था कि इसने कुछ पहले से इंडिकेशन दिए थे, आज ये खुला ठीक था लेकिन उसके बाद एकदम से विद द वॉल्यूम इसके अंदर एक शार्प डिक्लाइन आया, ये लोअर सर्किट पे शेयर आ चुका है। तो सुनील हाईटेक पे अब जैसे ही कोई न्यूज फ्लो आएगा सबसे पहले आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन बाजार वापस झूल रहा है एक नियरली पूरी एक रेंज के अंदर।